अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्केलिंग के हवाले से एक बेटर नोन स्ट्रेटजी जो है वो ब्रांचिंग है, यानी पेरेंट ऑफिस जो है या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मल्टीपल लोकेशंस पर, जो एक ही कंट्री में भी हो सकती हैं और ग्लोबली भी हो सकती हैं, अपनी ब्रांचेस खोलते हैं और फिर वो उन ब्रांचेस के थ्रू लोकली काम करते हैं, लोकल कम्युनिटीज तक पहुँचते हैं, लोकल सोसाइटी में जो अपना इम्पैक्ट है उसको एक्सपेंड करते हैं। ब्रांचिंग जो है वो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, ख़ास तौर पर कंट्रोल के हवाले से, कि चूंकि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की अपनी ब्रांच है, अपना स्टाफ है, अपनी स्ट्रेटजीज हैं, कंपेयर्ड विद डिसेमिनेशन जो हमने पिछले मॉड्यूल में डिस्कस की, जहाँ पर लोगों को आप ट्रेनिंग दे देते हैं और वो खुद जाकर अपना काम करते हैं। ये ब्रांचिंग जो है उसमें पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का अपना सब ऑफिस या ब्रांच है, जहां उनका अपना ट्रेंड स्टाफ है, उनके अपने ऑपरेशनल मॉडल्स हैं और उसी तरीके से काम हो रहा है जैसे हेड ऑफिस या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। इससे क्या होता है कि कंट्रोल बेहतर हो जाता है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो है वो वही रहती है जो कि हर ब्रांच में अक्रॉस द बोर्ड जो है जितनी भी उनकी ब्रांचेस होती हैं उसमें ऑलमोस्ट कमोबेश आप कह सकते हैं क्वालिटी सेम रहती है। प्रोटेक्शन होती है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही उसके जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं, उसके जो ओवर द इयर्स एक्सपर्टीज डेवलप की हैं, जो चीज़ें इनोवेट की हैं, वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन रहता है, क्योंकि ब्रांचेस जो हैं वो हेड ऑफिस को जवाबदेह हैं, उनका हिस्सा हैं, वो एक ही तरह से काम कर रहे हैं, किसी और से बाहर शेयरिंग नहीं हो रही और कॉपीराइट्स के वायलेट होने की या लाइसेंसिंग जो है उसकी ब्रीच होने की कोई डर नहीं होता सोशल एंटरप्रेन्योर्स को। इस लिहाज से वो सेफ महसूस करते हैं कि उनका अपना काम है और वो अपनी मर्जी और अपने तरीके से उसको कर सकते हैं। लेकिन ये कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव, बल्कि बहुत एक्सपेंसिव है। ऑफ कोर्स हर नई लोकेशन पर आपको ऑफिस हायर करना होता है, पूरा एक उसका इक्विपमेंट चाहिए होता है। अगर कोई सोशल एंटरप्राइज जो है वो कोई चीज़ प्रोड्यूस करती है तो वो प्रोडक्शन यूनिट इस्टेब्लिश करना होता है, उसके लिए स्टाफ और वो सारी चीज़ें जो हैं वो नए सिरे से, और मल्टीपल लोकेशंस पर जब आप करते हैं तो ब्रांचिंग कंपैरेटिवली बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है बस दूसरी स्केलिंग स्ट्रेटजीज की निस्बत। ऐसे में एक और चीज़ जो डायलेमा है वो सोशल एंटरप्रेन्योर को फेस करना पड़ता है, एक चैलेंज उसके लिए आता है कि अगर फार फ्लंग लोकेशंस पर वो हेड ऑफिस से स्टाफ भेजता है तो मैसेज लोकल कम्युनिटी को क्या जाता है कि हम आपकी भलाई के काम में आप पर ट्रस्ट नहीं करते। मतलब लोकल कम्युनिटी से आप लोगों को हायर नहीं कर रहे, आप हेड ऑफिस से ब्रांच में स्टाफ भेज रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि यू डोंट ट्रस्ट द कम्युनिटी, कि वो अपनी भलाई का काम खुद नहीं कर सकते, का वो आपके जरिए से कर रहे हैं। तो ये एक बुरा मैसेज है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में, खास तौर पर जब आप लोगों के लिए काम कर रहे हों। नॉट फॉर प्रॉफिट में तो बिल्कुल एक बिग नो नो है, इवन फॉर प्रॉफिट में मुश्किल हो जाता है कि लोकल कम्युनिटी के ट्रस्ट के बगैर आप एक नई ब्रांच जो है उसको रन कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप लोकल स्टाफ को हायर करते हैं तो मे बी फार फ्लंग जो एरियाज हैं वहाँ पर एक्सपर्टीज का लेवल वो ना हो कि जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी या जो उनकी इनोवेशंस हैं हेड ऑफिस की या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की, उनको वहाँ के मकामी लोग जो हैं एटलीस्ट इनिशियल स्टेजेस पर यूज़ कर सकें। और अगर वो उसको नहीं यूज़ कर सकते इनिशियल स्टेजेस पर तो एक्चुअली स्केलिंग का पर्पस ही फौत हो जाता है, स्केलिंग हो नहीं सकती, ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि लोग सीख रहे हैं अभी, तो सीखने के अमल में ग्रोथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रांचिंग जो है वो हमने जो पिछली स्ट्रेटजी डिस्कस की डिसेमिनेशन, उसका एंटीथेसिस है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। वो इनएक्सपेंसिव है, ये एक्सपेंसिव है। वो कंट्रोल हैंडओवर हो जाता है, फ्लेक्सिबल है, ये कंट्रोल रहता है, लेकिन इसके कम्युनिटी और बेनिफिशरीज के हवाले से डायलेमास हैं, इसमें शेयरिंग नहीं है, इसमें ओपननेस नहीं है। तो हर जो स्ट्रेटजी ग्रोथ की या स्केलिंग की हम जो हमने पहले डिस्कस की, जो हम अभी कर रहे हैं और जो हम आगे करेंगे, वहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ब्रांचिंग का फैसला खास तौर पर सोशल एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सोच समझ कर लेना होता है, बहुत थोड़ी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप उसको ये फैसला लेना है। फॉर एग्जांपल
फ्रेश फूड के बिजनेस में अगर कोई सोशल एंटरप्राइज है, या कोई ऐसी इंडिजिनस कम्युनिटीज के साथ कोई कल्चरल लेवल पे कोई एक्टिविटीज हैं, तो ब्रांचिंग शायद इनएविटेबल है। अदरवाइज दूसरी ऑप्शंस जो हैं वो बेहतर हैं इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट। थैंक यू।